नमस्कार सारे मित्रों को। ये मैंने कई लोगों के कहने अनुसार, कई लोगों ने कहा कि घर में शमी का पौधा लगाना चाहिए, तो मैं लोगों के सलाह अनुसार एक छोटा सा पौधा ले आया। अभी मैंने कुछ फ्लावर प्लांट लाया था, उसमें ये शमी का पौधा लाया था, देखिए। और ये मुझे 50 रुपये में मिला है, इससे कम में दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, तो शनि महाराज इससे संतुष्ट होते हैं पौधे लगाने से। तो देखिए, हम इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, शमी का पौधा घर पे क्यों लगाना चाहिए, और उसके बाद ये इस कौन से सॉइल और किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उस बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो देखिए, ये जो शमी का पौधा है, ये वास्तु शास्त्र में शमी का पौधा भी बेहद खास माना जाता है। ये तुलसी के पौधे की तरह ही काफी शुभ माना जाता है। इसके पूजन से शनि दोष का प्रभाव कम होता है। इसे घर में रखने से दरिद्रता का नाश होता है, ऐसे माना जाता है कि अगर शनि देव को संतुष्ट रखना है तो शमी का पौधा लगाना चाहिए। इसमें घर की वास्तु दोष है जो वो दूर होता है, दरिद्रता घर की दूर होता है। शमी का पौधा, ये पेड़ शनि ग्रह का कारक है, सही दिशा में लगाना चाहिए। ये कुंडली, कुछ लोग कुंडली मिलान करके भी इसको लगाते हैं, और दशहरे के दिन भी इसका पूजन किया जाता है। ये घर के ईशान यानी पूर्व दिशा में शनि का पौधा लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि इस दिशा में पौधा लगाना काफी लाभदायक होता है। इस दिशा में पौधा लगाना सभी के लिए समृद्धि और सुख और समृद्धि का आती है। पूर्व दिशा में शमी का पौधा लगाने से सुख समृद्धि आती है, ऐसा माना जाता है। यदि आपके जीवन में शनि का 7.5 या डेढ़ा चल रही हो, तो आपको शमी के पौधे में जल जरूर चढ़ाना चाहिए और इसकी पूजा करना चाहिए। मुख्य रूप से शनिवार के दिन आपको इसकी पूजा करना चाहिए। इस उपाय से शनि के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। तो चलिए, हम इस शमी के पौधे का हम अपने घर पे लगाते हैं। पूर्व दिशा को लगाने के बाद पूर्व दिशा की ओर लगाएंगे। शनिवार को इसको जल चढ़ाइए। इसमें दीपक भी लगा सकते हैं, जिस तरह आप तुलसी को दीपक लगाते हैं उसी तरह इसमें भी दीपक लगा सकते हैं, लेकिन इसमें तेल का दीपक लगाया जाता है। जैसे शनि देव को सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं, उस तरह शमी का जो है इसमें तिल का तेल लगाया जाता है, तेल से दीपक जलाया जाता है। तो चलिए, हम इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे। आज अपने घर में एक शुभ पौधा जो वास्तु दोष से दूर करता है, घर में सुख समृद्धि लाता है, ऐसे एक पौधे की हम आज अपने घर पे लगाएंगे। देखिए, मैंने इसके लिए थोड़ा सा कुछ सामग्री ले लिया। जिस तरह से मैं प्राय पौधे को रिपोर्ट करता हूँ, उसी तरह से इसका भी रिपोर्ट करूँगा। ये मैंने थोड़ा सा पार्क में से ये इकट्ठे करके लाया था। ये सूखा हुआ लीफ है, तो ये बाद में जाके लीफ कंपोस्ट बन जाएगा। और इसमें प्रचुर मात्रा में नीम की पत्तियां है और दूसरे पत्तियां भी है, तो ये मैंने पार्क से कलेक्ट करके लाया था। और इसमें थोड़ा सा मैं ये गार्डन सॉइल यूज करूंगा, 40% के करीब, थोड़ा सा 10% करीब रेत यूज कर लूंगा। अभी गर्मी के समर का सीजन है, तो रेत जो है वो बहुत ही अच्छा होगा हमारे पॉटिंग मिक्स के लिए। ये वेलड्रेन होगी, ये हम लेंगे थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, ये 20% करीब वर्मी कंपोस्ट लेंगे। अगर आप गोबर की खाद लेते हैं तो 30% ले सकते हैं। साथ में मैं थोड़ा सा राइस हस्क लूँगा, राइस हस्क में फंगस जल्दी नहीं लगता है, और साथ में ये वेलड्रेन भी होती है, और ये डाइल्यूट होने के बाद अच्छा कंपोस्ट बन जाता है। साथ में देखिए, इसमें मैं थोड़ा फंगिसाइड यूज करूंगा, हल्का सा। राख भी ले लिया, राख में हमारे पोटेशियम कैल्शियम मात्रा में पाया जाता है राख में, ये फर्टिलाइजर के रूप में भी काम करता है, और साथ में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फंगिसाइड का काम भी करता है ये। इसमें मैं थोड़ा सा एप्सम साल्ट यूज करूंगा, एप्सम साल्ट से पौधे की जो शॉक है उससे दूर होगी। थोड़ा सा नीम खली पाउडर का भी यूज कर दूंगा इसमें, और ये है थोड़ा सा पोटास,
जो तने और जड़ के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, इसको भी यूज करूंगा। तो चलिए हम इसको रिपोर्ट करने की तैयारी करते हैं। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा आज, आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि शमी का पौधा लगाना था, जरूरी था, और आपके साथ शेयर करना, इसलिए मैंने पौधा ले लिया है। देखिए एक गमला ले लेते हैं, इसमें छोटा पॉट है मेरे पास, इसमें अभी इसमें लगा लूंगा। उसके बाद एक दो महीने के बाद नेक्स्ट सीजन में मैं इसमें बड़े पॉट में लगा दूंगा। जैसे जैसे पौधे बढ़ता जाएगा उस तरह इसमें लगा देंगे हम। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गार्डन सॉइल, इस पौधे के हिसाब से जितना ज़रूरत होता है इतना गार्डन सॉइल ले लेता हूँ, इतना पर्याप्त है, ज़रूरत होगा तो और ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा रिवर्स सैंड मिला देंगे, 10% करीब, बेलड्रेन मिट्टी बनाने के लिए, जो हमारे पॉटिंग मिक्स है वो बेलड्रेन हो, उसमें पानी नहीं रुके। कोई भी हम जब भी हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो वो ऐसे बनाते हैं कि उसमें पानी रुकने की गुंजाइश नहीं होती, और बेलड्रेन मिट्टी होती है, पोरस होती है और फर्टिलाइजर से भरा हुआ होता है। इसमें हम मिला देंगे 20% करीब वर्मी कंपोस्ट। छोटा पौधा है तो ज़्यादा मिलाने की आवश्यकता भी नहीं है, दोबारा जब रिपोर्ट करेंगे तो उस समय वर्मी कंपोस्ट वगैरह आदि जो खाद है वो हम उसमें अच्छे से डाल देंगे। इसमें हम मिला लेते थोड़ा सा राइस हस्क। देखिए मैं राइस हस्क के बारे में एक आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जो भी आपके पौधे हैं, आपने पौधे जो लगाया होगा उस पौधों में थोड़ा थोड़ा करके ऐसे राइस हस्क डाल दीजिए। तो ये क्या होगा, जो धूप से जो पानी जल्दी भाप बन जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, और हमारे जल्दी से ही समर सीजन में बहुत जल्दी पौधे सूख जाता है मिट्टी ऊपर के, तो राइस हस्क डाल देंगे तो ये जल्दी से सूखेगा नहीं, और साथ में जब भी आप पानी डालेंगे तो ये पानी को भी थोड़ा सा होल्ड करके रखेगा, साथ में इसमें जल्दी से फंगस नहीं लगता है राइस हस्क में। आप देखिएगा राइस हस्क में बहुत जल्दी फंगस नहीं लगता है ये, और जब इसकी निंदाई गुड़ाई करेंगे तब ये नीचे धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, और हमारे जो मिट्टी है ये भी पूरा हो जाएगा। तो एक दिन आप सप्ताह में एक दिन निकाल लीजिए, और जो भी आपके गमले हैं आपके पास अगर राइस के पास हो तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा राइस हस्क डाल दीजिए। और साथ में ही एक चीज और करिएगा, जितने भी आपके पास पौधे हैं, आपके पास जितने भी पौधे हैं उसको अच्छे से सप्ताह में एक बार इसको अच्छे से साफ कर दीजिएगा। तो उसमें क्या होगा कि ये जो इसमें जो धूल के कण है वो हट जाएगा, और सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस क्रिया करके जो भोजन बनाता है तो वो अच्छा बना पाएगा, पौधे अच्छा स्वस्थ रहेगा। तो आप में एक बार अच्छे से उसकी अच्छे से धुलाई कर दीजिए, तो इसमें मिलीबग और जो भी स्पाइडर वगैरह जो भी इसमें लगा रहता है या थीप्स वगैरह, तो वो नहीं रहेगा, वो हट जाएगा। तो ये आपको एक तो फंगस से भी बचाव हो जाएगा, दूसरा इसमें भोजन बनाने में बहुत कारगर होगा, ये पत्तियां साफ हो जाएगी। तो आप बिल्कुल ये राइस हस्क और ये जो पौधे में स्प्रे करते हैं, अच्छा तेज धार हो बारीक स्प्रे करके आप उसको करते रहिएगा, तो आपके पौधे बहुत अच्छा रहेगा। चलिए हमने ये मिला दिया है राइस हस्क, डिवर्सेंट और गार्डन सॉइल। इसमें हम डाल देते थोड़े से नीम की खली, ये मेरे पास नीम की खली रखा है, इसमें थोड़ा सा नीम की खली ऐड कर देंगे। इसमें आप 20 ग्राम, छोटा पॉट है तो 10 से 20 ग्राम आप इसमें नीम की खली यूज कर दीजिए। नीम की खली बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम इसमें ये ऐड कर देंगे थोड़ा सा, हम इसमें थोड़ा सा वुडन एश ऐड कर देंगे। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ ये फंगिसाइड का भी काम करता है, इसलिए हम इस पौधे में हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी विंटर सीजन खत्म हो चुका है, अभी हमारे पास समर आने ही वाला है, और तेज धूप में ये हल्का फर्टिलाइजर यूज़ करना ही सही है। थोड़ा सा हम फंगिसाइड यूज़ कर देते हैं इसमें, फंगस आदि से बचाव के लिए, इसमें कोई फंगस नहीं लगे। आप बीच बीच में इसको
पानी में घोल के, एक चम्मच पानी में घोल के अब इसको पौधे में डाइल्यूट लिक्विड रूप से भी डाल सकते हैं बीच बीच में 10-15 दिन के बाद, उससे भी आपका फंगस जो है नहीं रहेगा पौधे में। ज़्यादातर फंगस से ही पौधे खराब होता है, ओवर वाटरिंग और फंगस से। अभी ओवर वाटरिंग की समस्या तो नहीं होगी क्योंकि अभी गर्मी के टाइम है, तो आपको तो रोज पानी देना ही है गमले में, तो गर्मी में ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं होती है। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा डाल लेते एप्सम साल्ट, एक टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है ये, हम पोटाश डाल देंगे इसमें। ये एप्सम साल्ट है हमारे पास, ये भी थोड़ा सा डाल देंगे। ये पौधे को अभी नए रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसे शॉक से बचाएगा ये, साथ ही ये पत्तियों को हरा भरा रखेगा। तो हमने ये सारे फर्टिलाइजर और फंगिसाइड वाले यूज़ कर दिए हैं के पौधे को रिपोर्ट करने की तैयारी करते हैं। ये हमने गमला ले लिया है, इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं। ये जो हमने पत्तियां कलेक्ट करके लाए थे, ये मैंने पार्क है यहाँ पास में, वहाँ से मैंने ये पत्तियां ले आया था, एक बोरी भर के लेके आया था, और सारे सूखे हैं ये पत्तियां, जाके आगे जाके लीफ कंपोस्ट बन जाएगा। और इसमें नीम की पत्तियां भी है तो फंगिसाइड का भी काम करेगा। नीम की पत्तियां और दूसरे पौधे के पत्तियां है, ये पत्तियां सबसे ज़्यादा अच्छा उर्वरक बनता है, बर्मी कंपोस्ट से भी ज़्यादा पत्तियों का जो लीफ मोल्ड फर्टिलाइजर बनता है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बनाता है। तो हमने थोड़ा सा पत्ती इसमें डाल दिए हैं। अब ये जो सॉइल है हमारा बना हुआ, ये सॉइल डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि इसमें जो भी हमने फर्टिलाइजर या फंगिसाइड मिला है वो अच्छे से मिल जाए, एक जगह नहीं रहे। तो हम थोड़ा सा मिट्टी इसमें पहले डाल देते हैं क्योंकि पौधा भी छोटा है, और ये हमेशा आप लोग तो करते ही होंगे जब मिट्टी डालते हैं तो थोड़ा सा दबा दीजिएगा, इसमें एयर बकेट नहीं रहता है, खाली जगह नहीं रहता है, थोड़ा सा बराबर मिल जाता है। हम इसको चाहे तो एक बार थोड़ा इसको देख लेते हैं कि हमें और मिट्टी की ज़रूरत है क्या, तो इसी के लेवल में रखूँगा मैं पॉट को, क्योंकि ये जो मैंने पत्तियाँ डाला है ये जब डाइल्यूट हो जाएगा वो नीचे दब जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसके बराबर जो गमला है उसी के बराबर मैं मिट्टी इसमें डाल दूँगा। काट लेते हैं, इससे आराम से कट जाती है, आपके पास कटर वगैरह होगा उससे आराम से कट जाती है। मैं तो इसको दोबारा यूज़ भी कर लेता हूँ, पॉलीथीन को थोड़ा सा टेप चिपका के, कभी सीड वगैरह लगाना हो तो भी लग जाता है इसमें, जहाँ से कटा है वहाँ टेप लगा देता हूँ, फिर से ये पॉलीथीन का ये बन जाता है पॉलीथीन बैग। दूसरा सीड वगैरह जो भी वेजिटेबल सीड है या फ्लावर का सीड है उसको लगा जर्मिनेट कर सकते हैं। ये हमने निकाल लिया है, देखिए ये रूट निकल रहा है, ये रूट अच्छे से निकलने लगा है। तो ये जो मिट्टी है ये बहुत ही चिकनी मिट्टी है, हम इसको थोड़ा सा लूज़ कर देंगे, हटाएंगे नहीं, थोड़ा सा लूज़ कर देंगे हल्का हाथों से, और जब बाद में पानी डालेंगे इसमें गुड़ाई वगैरह करेंगे तो ये मिट्टी बराबर चारों ओर जो अभी जो मिट्टी दिख रहा है इसको सेंटर में लगा देंगे, अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो हमने आज एक समी का पौधा भी लगा दिया है, आप लोग भी लगाइए अपने घर में, समी का पौधा बहुत शुभ पौधा होता है, मेरे पास नहीं था तो मैं पहली बार ही लगा रहा हूँ। मैंने कई किताबों में पढ़ा है, वीडियो में भी देखा है, समी का पौधा बहुत ही अच्छा पौधा होता है, तो आप सभी लगाइए। और इसमें दीपक जलाना चाहे तो जलाइए, नहीं तो इसमें जल तो चढ़ाइए, जल तो हम चढ़ाते ही रहेंगे हर रोज़ ही, गमले में तो रोज़ ही पानी देना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर ज़्यादा सूखा नहीं हो तो एक दिन छोड़ छोड़ के तो हमें पानी देना ही पड़ेगा। इसको भर दिया है अच्छे से, इसको चारों ओर से थोड़ा सा हल्का हल्का दबा देंगे, पानी डाल देंगे, पानी डाल के हम उसको सेमी शेड में रख देंगे, 4-5 दिन सेमी शेड में रखा रहेगा, उसके बाद प्रॉपर सनलाइट में इसको रख देंगे। ये इसको सनलाइट पसंद है, फुल सनलाइट में इसको रख सकते हैं। ये हमने
बराबर चारों ओर से ये हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, अच्छे से गीला कर देते हैं और फिर हम 2-3 दिन के बाद इसमें पानी देंगे। इसको हम अच्छे से गीला कर देते हैं और गीला करके हम इसको रख देंगे सेमी शेड में 4-5 दिन के लिए और उसके बाद फुल सनलाइट में लाके रख देंगे। और अभी पानी दे रहे हैं, उसके बाद एक दो दिन के बाद पानी देंगे। इसको अच्छे से गीला कर दे रहे हैं नीचे तक के। तो ये था शमी के पौधा और आप सभी भी लगाइए, बहुत शुभ पौधा होता है आपके समृद्धि के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए अच्छा पौधा है, आप भी लगाइए। और तो धन्यवाद आज यहाँ तक के वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।